बुनकर कारीगर परिवारों का ये कालीन उद्योग, माननीय देश के प्रधानमंत्री का उद्बोधन, प्रथम पूरे कालीन उद्योग की ओर से आपको विशेष आभार कि आपने अपना समय हमें दिया। आपके नेतृत्व में दीनदयाल जी को समर्पित इस संकुल में 38 राष्ट्रों से, भारत के इतिहास में पहली बार आपके नेतृत्व में विशेष क्राफ्ट के लिए 7 भारतीय भाषाओं में जो हेल्पलाइन शुरू हुई, 15,000 से ज्यादा लोगों को जो सहारा मिला, उनमें से कई प्रतिनिधि, कई कारीगर आज इस संकुल में उपस्थित हैं। आप अपने आशीष वचन। वाराणसी में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी स्मृति ईरानी जी, कारपेट सेक्टर से जुड़े सभी उद्यमी जन, मेरे बुनकर भाई बहन और वहां मौजूद अन्य सभी महानुभाव, काशी की पावन धरती पर देश भर से जुटे, विदेशों से आए आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि दुनिया के करीब 38 देशों के 250 से अधिक अतिथि इस एक्सपो का हिस्सा है। आज कालीन उद्योग के भारतीय इतिहास में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री से जुड़े 20 लाख बुनकर परिवारों को संबोधित किया। हम कालीन उद्योग की ओर से, मंत्रालय की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हम अपने बुनकर परिवारों को जिस प्रकार से भारत सरकार के सहयोग से 75% उनके शिक्षा की पूर्ति के लिए फीस देने की योजना बना चुके हैं, इस योजना को सफल करने में इंडस्ट्री अपना योगदान दे। बनारस की धरती पर मात्र 23 महीनों की अवधि में इतना बड़ा हस्तशिल्प बुनकर समुदाय को और टेक्सटाइल की पूरी इंडस्ट्री को समर्पित इस संकुल में पहली बार विदेश से लगभग 38 राष्ट्रों से 250 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स यहाँ पधारे हैं। बनारस के साथ साथ भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और हमारे बाकी प्रदेशों की कालीन की ताकत को यहाँ पर सभी राष्ट्रों ने सहारा है। इसके लिए मैं विशेष रूप से कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 4 दिवसीय इंडिया कार्पेट एक्सपो के उद्घाटन के साथ ही बुनकरों के लिए फार्म से लेकर के फॉरएवर तक के 5F का एक नया मंत्र दिया है और साथ ही कई ऐसी योजनाएं भी बताई हैं जिससे बुनकरों का फायदा होगा। बुनकरों को कालीन में आगे बढ़ाने के लिए और कालीन के निर्यात को ऊपर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने बुनकरों के बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च का भी जिक्र किया है। 5F के साथ साथ फैशन, फार्म, फैक्ट्री और फॉरएवर के इस मंत्र को बुनकरों की आय से जोड़कर प्रधानमंत्री ने एक नया मुद्दा ऊपर खड़ा किया है। अर्णिमा द्विवेदी, ईडीवी, वाराणसी।